नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। हम औरतें अधिकतर बैंक से जुड़े काम पति या बच्चों से करवा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बैंक में कोई भी काम आसानी से नहीं होता, तो घंटों लाइन में कौन लगेगा, खिड़की से खिड़की कौन जाएगा। पर ये सब भूल जाइए, अपने काम खुद करिए, क्योंकि बैंक आपके किसी भी काम को टाल नहीं सकता है। काम ना होने पर आपके पास बैंक या उसके किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करने का भी अधिकार है। हमने इस बारे में शितांशु तिवारी से बात की। वो सिंडिकेट बैंक कॉरपोरेट ऑफिस बेंगलुरु ब्रांच में मैनेजर हैं। उन्होंने हमें जो बातें बताई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बैंक पहुंची हैं और आपसे कहा जाए कि बैंक बंद होने का समय हो गया है या फिर काम आज नहीं हो पाएगा, तब आप पूछ सकती हैं कि बैंक ने लिखित रूप से खुलने और बंद होने की जानकारी क्यों नहीं दी है। बैंक में खुलने और बंद होने का समय साफ तरीके से लिखा होना चाहिए। समय में बदलाव करने पर बैंक को लिखित रूप से सूचना देनी होती है। आप बैंक पहुंचे और आपको पता चले कि ब्रांच बंद हो चुकी है या कहीं और शिफ्ट हो गई है, तो आप बैंक की शिकायत कर सकती हैं। बैंक ब्रांच बंद कर रहा है या जगह बदल रहा है तो ग्राहकों को 2 महीने पहले उसे लिखित जानकारी देनी पड़ती है। आपकी हर तरह की निजी जानकारी जैसे उम्र, धर्म, वैवाहिक स्थिति को सिर्फ अपने तक ही बैंक को रखना होता है। अगर बैंक रेगुलेटरी गाइडलाइंस जैसे RBI के अंदर जानकारी बांटने की जरूरत होती भी है, तब बैंक ग्राहक को पहले बताता है। ग्राहक से सहमति मिलने के बाद ही बैंक जानकारी शेयर कर सकता है। ग्राहक की जानकारी के बिना बैंक आपकी कोई भी जानकारी लीक नहीं कर सकता। बैंक के काउंटर पर कैश, चेक, कटे फटे नोट बदलने, पैसा जमा करने, खाते से पैसा निकालने जैसे काम हो सकते हैं। बैंक इसके लिए किसी भी समय आपसे इनकार नहीं कर सकता है। ये सुविधा बैंक की हर ब्रांच पर मिलती है। किसी परेशानी में आप ब्रांच हेड से भी बात कर सकती हैं। बैंक को अपनी हर योजना, सुविधा, ब्याज दर, बैंक चार्ज या नियम कानून की पूरी जानकारी ग्राहकों को देनी होती है।
ये बैंक की वेबसाइट या ब्रांच पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा SMS, मेल वगैरह भी आजकल कई तरीके होते हैं। अगर किसी ग्राहक को इनमें से कुछ भी समझने में परेशानी आ रही है तो बैंक के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो आपको संबंधित चीजें समझाने में मदद करे और आप बेधड़क उन तक। जा सकते हैं। कोई कर्मचारी आपकी बात नहीं सुन रहा है या बैंक में आपका काम नहीं हो रहा है तो आप उसकी शिकायत लिखित तौर पर कर सकती हैं। शिकायत कैसे करनी है, किस अधिकारी से करनी है और कब तक जवाब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये भी बताना बैंक की ही। जिम्मेदारी है। बैंक किसी भी ग्राहक के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता, किसी भी ग्राहक को झिड़क नहीं सकता। उसकी जिम्मेदारी होती है कि ग्राहक की बात सुनी जाए, उसका काम जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसलिए बैंक जाने से डरिए मत और अपने अधिकार समझिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని